जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। इस कार्यक्रम को हमारे बहुत सारे देशों के लोग एक साथ देख रहे हैं इस वक्त, और वॉइस ऑफ मानवता टीवी के माध्यम से बहुत सारे लोग इसको कई देशों में देख रहे हैं। इसके साथ ही मैत्री इंडिया और तमाम वेब चैनल्स के माध्यम से इसे बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ये जो परिस्थितियां बनी हुई है, जिसमें एक महामारी की वजह से पूरा देश जैसे रुक सा गया है, ऐसे में अधिकतर लोगों के काम धंधे बंद हो गए हैं। बहुत सारे मजदूरों की मजदूरी बंद हो गई है, जो रोज कमाने खाने वाले थे उनकी हालत भी बहुत खराब है। ऐसी स्थिति में कुछ लोग हैं जो इसमें सहायता के लिए सामने आए हुए हैं। तो जो लोग सहायता कर रहे हैं, हम उनसे बातचीत इस वक्त करेंगे। इसमें जहां एक और कई जगह के पुजारी या तमाम जो मंदिरों मठों के लोग हैं जो सरकार से सहायता मांग रहे हैं, वही बौद्ध विहारों के जो ये भंतेगण हैं, वो तमाम लोगों की सहायता के लिए सामने आ रहे हैं और गांव-गांव जाकर सहायता कर रहे हैं। ऐसे ही एक भिक्खु हैं, एक भंते हैं हमारे साथ इस वक्त, धम्म शिखर ज्योति देव। हम इनसे बात करते हैं। वंदामी महंती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आप बताएं कि क्या इस वक्त आप किस तरह से इसे लोगों तक अपनी सहायता को पहुंचा रहे हैं? जब से लॉकडाउन हुआ है मार्च महीने से, जी 1.0 से लेकर 4.0 तक निरंतर गाँव से जो हमें जानकारियां मिल रही हैं जी, और जो जानकारियां मिल रही है उसके हिसाब से हम लोगों की आवश्यकताओं की जो चीज है, खासकर महत्वपूर्ण आज के समय में राशन की आवश्यकता उन्हें बहुत है, और सभी तरह से काम धंधा बंद हो चुका है जी। तो जो देहातों में रहने वाले लोग हैं, खासकर जो जिनके पास कोई सहारा नहीं है, जिनके पास बच्चे नहीं है, विधवा है और मजदूर भी है कुछ ऐसे लोग जी, तो उनके पास की जानकारी हम एक आदमी को भेजकर वो कलेक्ट करते हैं कि कौन गांव में कितने कितने लोग जो बेसहारा है या जिनको राहत सामग्री की आवश्यकता है, तो राहत सामग्री में हम खाद्यान्न जो है वो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं पिछले 29 मार्च से लेकर तो अभी 19 मई तक निरंतर करते आए हैं। तो कम से कम 60 गांव तक हम पहुंचे हैं, और जो जिनको बहुत ही, और अन्य लोग भी इसको प्रचारित कर रहे हैं यानी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हम केवल उनके पास की जिनको आवश्यकता नहीं है जी, ऐसे यानी जिनके पास में आवश्यकता के साधन नहीं है, जो आवश्यकता पूरी नहीं कर पा रहे हैं वैसे लोगों के पास में हम जाकर उनको चावल, दाल, तेल, आटा और साथों साथ क्या बोलते साबुन, प्याज, आलू, इस तरीके से हम खाद्यान्न उनको कुछ समय तक के राहत पहुंचा जी। कुछ समय तक आप राहत पहुंचा रहे हैं। वाकई ये एक बड़ा काम है, और इस काम में लगातार हम आपको देख रहे हैं कि आप जुटे हुए हैं, काफी लोगों की सहायता भी आप कर रहे हैं। कि वाकई ये वक्त है जब बहुत सारे लोग सरकार से सहायता मांग रहे हैं, उस वक्त आप लोग विहारों की मदद से लोगों तक ये चीजें, राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं। अभी हाल ही में एक आदेश हमने देखा जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार से जो मंत्री जी हैं उन्होंने निवेदन किया है कि बौद्ध भिक्षुओं को सरकार की ओर से इस दौरान, चूंकि जैसे मंदिरों की आय की साधन बंद है इस वक्त मंदिरों में, उस तरह से पुजारियों को उन्होंने 8 करोड़ की जो सहायता जारी की है, वैसे भिक्षुओं के लिए भी सहायता जारी की जाए। आप इस पर क्या कहना चाहिए? मेरा इस पर तो कहना है, मैं वो पत्र भी कल रात में मैं पढ़ा और आपने भी पोस्ट डाली थी, तो उससे मुझे और उससे जानकारी प्राप्त हुई जी। वो पढ़ा तो मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये इस प्रकार से कौन ऐसा संगठन है जो भिक्खों के बारे में सोच रहा है। जनरली मध्य प्रदेश में यदि देखा जाए तो बहुत कम भिक्खु है
ऐसे उनकी बहुत ज्यादा ऐसी कोई संख्या है नहीं जी। अगर पूरे मध्य प्रदेश में यदि देखा जाए तो जो भिक्कु है कम से कम 15 से लेकर 20 भिक्कु आपको उपलब्ध होंगे जी, ऐसा मेरा आकलन है जी, जी, मैं जी, जहां तक के उज्जैन से लेकर तो बालाघाट तक के मैं पूरा भ्रमण किया हूँ और बहुत सारे भिक्कुओं को मुलाकात, और हमारा भिक्कु संघ है तो एक दूसरे से परिचय होता ही है। तो सिंगरौली से लेकर उज्जैन, सिंगरौली से लेकर तो अपने बालाघाट तक, बालाघाट जो है वो बौद्धों का गढ़ माना जाता है मध्य प्रदेश में जी, तो इसमें बहुत कम भिक्कू है और कोई ऐसा संगठन जो है जो उनको मांग कर रहा है ऐसा लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा, ये इनके एक प्रकार से बदनाम करने की, या जैसे ब्राह्मण पुजारियों को ने मांग रखा कि सरकार के सामने कि हमें यानी उनके मंदिर बंद है तो उनको पूजा करने की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो रही है, उनको दान नहीं आ रहा है, तो इस दान को नहीं आ रहा है तो दान जो है नहीं आने की वजह से नहीं आने की वजह से उनको तकलीफें हो रही है जी। तो कहीं ना कहीं मंदिर बंद है, उनको तकलीफ हो रही है तो वो उनका मामला है। लेकिन बौद्ध भिक्षुओं का ऐसा नहीं है जी, बालाघाट जिला ही नहीं तो समस्त भारत देश में बौद्ध भिक्षु जो होते हैं वो स्वाभिमानी होते हैं जी, वो किसी को मांगते नहीं है जी जी, और उनका जो जीवन होता है वो त्यागमय होता है, उनका जो जीवन होता है जीवन में वो दान पारमिता को बहुत महत्व देते हैं जी। तो अपने जीवन को, अपने गृहस्थी जीवन को छोड़कर दान का जो जीवन है, त्याग का जो जीवन है वो जी रहे होते जी। तो बुद्ध धम्म संघ की वो शरण आया होता है और वो पारमिता है और आर्य अष्टांगिक मार्ग का उनका अधिष्ठान होता है तो उस तहत वो अपने शीलों को अपने अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं जी। तो शीलों में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है या ऐसा कोई शील नहीं है कि आपने मांगना चाहिए, बल्कि ये शील है कि देना चाहिए जी। इसीलिए इस पारमिता के तहत बालाघाट का जो बौद्ध समाज है वो पूरा बालाघाट ही नहीं तो मध्य प्रदेश और भारत देश में भी जो बौद्ध समाज है उनके जो बाबा साहब बुद्ध को मानने वाले जो लोग है ये जो समाज के लोग है ये भिक्कुओं की बराबर व्यवस्था करते हैं जी। आज तक के कभी शासन प्रशासन ने कभी ये इस तरीके का प्रयोग नहीं किया या प्रयास नहीं किया कि भिक्कुओं की हालत क्या है, लेकिन इस समय में इनको क्यों याद आ रही है, क्या वजह है, क्या इसके कारण हो सकते हैं कि इनको भिक्कुओं की अभी याद आ रही है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सोची समझी साजिश है और पूरे व्हाट्सएप में, फेसबुक में या सोशल मीडिया में दक्षिण भारत से लेकर तो उत्तर भारत तक, हिमाचल प्रदेश तक जो भिक्कु है वो लोगों को दान बांटने में भिड़ा हुआ है। बाबा साहब बुद्ध के लोग जो है लोगों की सेवा करने के लिए भिड़े हुए है, खासकर भिक्कु लोग भी इसमें बहुत सारे वीडियो और बहुत सारे हमने जैसे 19 मार्च से हमने स्टार्ट किया तो शुरुआती दौर में हमने जो स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोगों का मुझे फोन भी आया, भंते जी बहुत अच्छा कार्य है। मैं बोला ये हम कोई एहसान नहीं कर रहे किसी के ऊपर, तो ये हमारी दान पारमिता है, बौद्ध समाज जो है वो दान पारमिता को बहुत महत्व देता है और उसी पारमिता के अंतर्गत हम ये शील पालन का मामला है तो इसमें किसी के ऊपर हम एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सेवा भाव कर रहे हैं, ये जो बुद्ध की शिक्षा है उस शिक्षाओं का हम पालन कर रहे हैं, यही इस बात पर हम मुझे कहना है। और जिन लोगों ने, जिस संगठन वाले लोगों ने इस तरीके से जो ये किया हुआ है तो मेरा एक उसमें सुझाव है कि अगर शासन सही में करना चाहता है तो करके दिखाए जी, और फिर उसके बाद में हमें क्या करना है हम कर सकते हैं। अगर शासन सैंक्शन करता है पैसा और वो दान के रूप में भिक्षुओं को देता है तो भिक्षु जरूर ले लेगा क्योंकि दान है, स्वीकार तो करना पड़ेगा जी। लेकिन उस दान के पैसे का हमें क्या करना है हम कर सकते हैं जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हमें यदि शासन को लौटाना होगा तो हम शासन को लौटा सकते हैं उसी दान के पैसे से, जिन लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराना है उन लोगों को राहत सामग्री और करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम तो काम ही कर रहे हैं, हमारी पारमिता है। और शासन अगर
देना चाहता है तो हम बिल्कुल लेने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, दान तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन लेकिन वो दान का कैसे हमें इस्तेमाल करना है, जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करना है, खुद के लिए इस्तेमाल करना है? भिक्कू का जीवन तो खुद के लिए नहीं होता है ना, ज्ञान प्राप्ति के लिए होता है और दुनिया के कल्याण का, कल्याण के लिए और मानवता को स्थापित करने के लिए होता है, और उसके लिए वो अपने अपने प्राण तक के दाव पे लगा देता है। तो ये इस तरीके का जो मामला उठा है, तो वो मामला वो जो भी है, तो क्या शासन प्रशासन क्या दखल लेता है, किस तरीके का कार्य करता है, ये हमें सामने दिखेगा। लेकिन जो भी है, मुझे उसमें साजिश लगती है। और जो भिक्कू का विनय नियम है जो मैंने अभी बताया, तो हमें, हमारा समाज जो है बौद्ध समाज सक्षम है और वो हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। चलिए, बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद बंसी जी।